आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या कौन सी है। तो अग्र का मतलब क्या होता है? अग्र का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखें आप, 90 और 100 के बीच, तो देखो 91 92, इसमें भाग जाता है 13 का, इसमें 2 का 4 का जाता है, उसके बाद में है 93, 9 3 12 3 का भाग जाता है, 94 में जाता है 2 का भाग, अब देख लो 95 में 5 का जाता है, 19 का जाता है, और उसके बाद में देखो 96, इसमें भी जाता है 2 का, 97 में नहीं जा रहा किसी भी चीज़ का भाग, तो एक संख्या होगी 97, और 98 98 में भाग जाता है, 99 में भी जाता है 3 का, तो अभाज्य संख्या केवल एक होगी, वो है 97, कितनी, 97। अब देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे अच्छा क्वेश्चन और कॉन्स्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में पी का मान क्या है। तो ये 8 है और ये क्यू है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे 9 है और ये है पी। तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, पी की वैल्यू को क्या करें, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं विकल्प के अनुसार। तो देखो ये विकल्प को करते हैं वेरीफाई पहले, तो यहाँ पे 8 क्यू है, तो यदि हम लोग पी की जगह कितना पुट कर रहे, पी की जगह कर रहे 6 पुट कर रहे, तो यहाँ पे 6 और 9 और नीचे आ जाएगा 100, ये 33, और पी की जगह कितना हो जाएगा, पी की जगह हो गया 6, हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, तो देखो यदि 136 में से, यदि 136 में से हम लोग 69 को क्या करें, माइनस करें ना, तो कितना बच रहा है, तो ए वाली संख्या आना चाहिए लास्ट में, 8 आना चाहिए। तो देखो 136 में से 69 माइनस करते हैं तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, उसके बाद में 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 6 67 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 8 है, ढाई का अंक कितना है 8, लेकिन यहाँ पे है 6, तो ये वाला विकल्प हो गया, गलत हो गया। अब देख लो बी विकल्प, बी विकल्प में हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, 133 और यहाँ पे हमें पुट करनी है कितनी, पी की जगह 3 वैल्यू पुट करनी है, तो ये वाला गलत हो गया, तो 3 यहाँ पे 133 हो गई। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वाली टर्म को, तो देखो पी की जगह यदि 3 पुट कर दें तो 3 हो गई, और इधर में है 9, तो ये हो जाएगा माइनस, तो देखो 13 में से 9 गए तो बचेगा 4, और ये कहाँ से यहाँ पे वापस आ जाएगी 4, तो 13 में से 4 गए तो बचेगा 9, लेकिन यहाँ पे यह संख्या है 8 है, कितनी है 8 और यहाँ पे है 9, तो ये वाला विकल्प भी हो गया गलत। अब देख लो सी विकल्प, तो सी विकल्प में क्या होगा देखें सभी, अब देखो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, अब सी का नंबर है तो सी को हम लोग पुट करते हैं, तो सी को जब पुट करेंगे ना तो 1 3 और पी, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 और पी 9 है तो 4 9, इसको करो माइनस, तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और 13 में से यदि 5 जाएगा तो बचेगा 8, कितना बचेगा 8, तो देखो आप ढाई का अंक 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ए वाली संख्या हो चुकी है वेरीफाई पूरे तरीके से। तो यहाँ पे पी का मान 4 होगा, कितना होगा, पी का मान होगा 4, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5 आ रही है, यदि हम लोग पी बराबर 4 पुट कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही इसको वेरीफाई कर रहा है, देख लो आप 8, और यदि हम लोग क्यू की जगह 5 पुट कर दें, देखो जी यहाँ पे आ गई क्यू की वैल्यू 5, और यदि यहाँ पे क्या है पी की जगह क्या है, देखें आप सभी, पी की जगह है क्या, पी की वैल्यू है 4 है, कितनी है, पी की वैल्यू है 4 है, कितनी 4, ध्यान रखें इस चीज़ को, पी की वैल्यू है 4, तो यदि हम लोग 85 में पी की वैल्यू कितनी है 4 और 9, और यदि इसको जोड़ती हैं तो कितना आ रहा है, 9 5 14 कितना आ रहा है, देखें सभी, तो यहाँ पे आएगा, देखो क्यू की वैल्यू तो आ चुकी है कितनी, देखो क्यू की वैल्यू तो आ चुकी है 5, कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है, क्यू की वैल्यू है 5, इस चीज़ को ध्यान रखना है,
क्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है? 5 है, तो 85 संख्या है ये, कितनी है? 85 है। और इसमें हमें कितना ऐड करना है, पी की जगह है कितना? पी की जगह है 4, 4 है, 4 और 9 है। तो देखो यार, इसमें जब हम ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा ये, 9 और 5 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 4 12 और 1 13, देखो 134 आ गया। तो जो ये पी है ना, पी की जगह 4 हो गया। दोनों तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया, पी की वैल्यू 4 आ रही है। और डी वाले को देखो, ये वाला तो होगा भी नहीं, क्योंकि ये 2 यहाँ पे रखेंगे तो 8 2 10, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, डी वाला तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। चलो डी वाले को भी चेक कर लेते हैं, ये भी गलत है, ये गलत है, जे सही है। अब देखो डी वाले को चेक करते हैं, तो 1 3 3 और पी की जगह यार 2 रखें, इसमें से जे वाला माइनस करें, तो देखो पी की जगह कितना है, पी की जगह यार 2 है और 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, देखो गलत हो गया। अब देखो 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, 103 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 है, लेकिन ये आ चुका है 10, ये भी गलत हो चुका है। तो सी विकल्प है, पी की वैल्यू होगी 4। देखो इसको कैसे करते हैं, 8Q+K P9 ये है 133P। यदि आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 8Q = 133P, तो P9 ऐसे है, ऐसे वेरीफाई किया है, क्योंकि जो LHS में जो टर्म है, LHS में जो संख्याएं हैं और RHS में जो संख्याएं हैं, यदि प्लस वाले को जो P वाली टर्म है, इनको एक साइड कर लिया हमने, 133 से देखो 13P, तो 133 जो कितना, ये 13P में से P9 माइनस करेंगे ना तो कितना बच रहा है, यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है, कितना आ रहा है, 8Q ही आ रहा है, वेरीफाई करके यही वाला 4 वाले का पी की वैल्यू होगी 4 होगी, कितनी होगी, 4। अब देख लो अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि B940 और 6B8, और यहाँ पे यह संख्या है और लास्ट में डिजिट है सी, तो जहाँ बी और सी क्या है, संख्यांक है, तो सी का मान क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम लोग क्या करें, देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो 0 और 8 का यदि हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, यदि देखो 0 डिजिट है किसी संख्या की लास्ट और 8 डिजिट है, यहाँ पे 8 डिजिट है, कितनी है, 8 डिजिट। जब 8 का 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट होगी 0 होगी, कितनी होगी, 0। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लास्ट में 0 आएगा, सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे बी और सी की वैल्यू 0 होगी, कितनी होगी, देखो बी और सी की वैल्यू अभी हम चेक कर लेंगे, लेकिन यदि 0 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लास्ट वाली जो डिजिट है सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी 0, तभी तो 0 आएगा। जब एक डिजिट मान लो 0 है और एक डिजिट है 8, 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो यही आएगा, कौन सा आएगा, यही। और यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग यहाँ पे देखो बी और सी की न्यूनतम वैल्यू लेते हैं, एक तरीका तो यह हो गया, और यदि हम लोग यहाँ पे दूसरा तरीका देख लें, बी और सी की क्या लेते हैं, न्यूनतम वैल्यू लेते हैं, न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम वैल्यू इस वाले विकल्प में कौन सी है, ना ही 3 है, ना ही 2 है, ना ही 1 है, तो 0 है। तो देखो बी की जगह हम लोग क्या रखते हैं, 0 940 × 608 = इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा क्या, 5383320। देखो लास्ट में यह डिजिट 0 है और ये वाली डिजिट है 8, जब 8 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, तो बी की वैल्यू तो डिसाइड हो गई, सी की वैल्यू को 0 होगी, तो इसी हिसाब से यह आंसर हो जाता है 0, कितना हो जाता है 0, कि सी की वैल्यू होगी 0। अब देख लो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 7y - 5y इसको हमें करना है सॉल्व। तो 7y में से माइनस के 5y करेंगे तो 2y बचेगा, और प्लस के ए वाला y, तो प्लस के y, तो ये आ गया 3y आ गया, कितना, 3y = 2y + 1, तो 3y - 2y = 1, तो 1y बचेगा, 3y में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा,
यहाँ पे आप सभी लोग देख लेंगे, यहाँ पे आ रहा है कितना, यहाँ पे बन आ रहा है कितना, आ रहा है बन, और देख लें प्लस माइनस का चक्कर है क्या। तो देखो यहाँ पे 7y माइनस के 5y, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2y, 2y और एक जे वाला है तो 3y बचा, तो 3y बचा। उसके बाद में 3y माइनस के 2y, तो 3y माइनस के 2y बराबर बन, तो यहाँ पे तो बन आ रहा है, y की वैल्यू बनी आ रही है, बिल्कुल सही है, बन है, कितनी है बन, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस बन तो नहीं है, मैं यह चेक कर रहा था, तो बन आ रही है, कैसे भी कर लो ये 8y हो जाएगा, 8y में से 5y जाएगा, दूसरा तरीका है तो यहाँ पे 3y बचेगा, और यहाँ पे है 2y प्लस के बन, तो 3y में से 2y जाएगा तो बचेगा 1y, y बराबर बन, माइनस बन नहीं है, प्लस के बन इसका आंसर है, क्योंकि इस वाले विकल्प में माइनस बन मौजूद नहीं है। यदि कहीं पे माइनस बन होता है ना तो उसको सही चेक कर लें, क्योंकि माइनस का चक्कर पड़ जाता है कई बार, कई सारे क्वेश्चन में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MP पुलिस कॉन्स्टेबल के पेपर में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 64/125 एक क्या है, परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग देखें 64/125 इसे हम लोग काय के फॉर्म में लिख रहे हैं, P/Q के फॉर्म में। तो जब हम P/Q के फॉर्म में किसी संख्या को लिखते हैं तो वह क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या, या जिसको कहें कि रेशनल नंबर होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखे ना वह रेशनल नंबर होता है। और एक और चीज़, यदि मान लो कोई संख्या है √5 √7 तो यह क्या होती है, यह होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों कॉन्सेप्टों को सभी स्टूडेंट रखें ध्यान, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में। अब देख लो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर कहें, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या होती है 0 से 40, 0, 1, 2, 3 और n तक होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो देखें सभी 20 और 8 होता है 28, कितना होता है 28 और 41, 28 और 41 8 और 1 होता है 9, और 4 और 2 है 6, 69, और ये वाला है प्लस का 69 में 5 ऐड करेंगे तो 9 5 14 की 4 हासिल की 1 तो 74 हो गया, कितना 74। अब आप लोग देख लो माइनस के 7 और माइनस के 17, तो 17 और 7 कितना होता है, 17 और 7 होता है माइनस के 24, कितना होता है माइनस के 24, तो 4 में 4 गए 0, 7 में से 2 गए 5, तो 50 आंसर है इसका, कितना 50। जब इसका हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करेंगे ना तो 50 आएगा, कितना आंसर आने वाला है 50, जो कि बिल्कुल सही है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है, शेषफल रिमाइंडर है, कितना है 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो शेष 0 प्राप्त होता है, तब उस संख्या का अंतिम अंक कितना होगा। तो आप लोग देखें यदि 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है, और 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष 0 प्राप्त होता है। तो देखें सभी, यदि मान लो कोई संख्या है, मान लो 21 है, ठीक है, तो 21 में यदि हम 5 का भाग देना, 5 चौका 20, तो देखो शेष 1 प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद में यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित करें, 2 से विभाजित करें 21 में, तो शेष कितना है 0 प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, देखो 2 2 1 2, देखो नहीं आ रहा 0, 11 तो 2 5 10, तो यहाँ भी शेष 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये वाली संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो ना ही 10 है, क्योंकि देखो 10 को और देख लो, 11 नहीं होगा 11 में। अब देखें सभी, तो देखो 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष 0 प्राप्त होता है, तो देखो 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 है नहीं, अब देखो 11 16 और उसके बाद में है कितनी,
देखो 11, 16, 21, 26 और कौन कौन सी संख्या हैं। अब देखो 11 में भाग दें दो, काय का 5 का, 5 2 10 एक बचा, दो का दे रहे हैं तो ये भी नहीं है। अब देखो 16, 16 में यदि हम लोग काय का 5 का भाग दें, 16 में यदि हम लोग 5 का भाग दें, देखें सभी, 16 और 26 को लेता हूँ, 16 और 26 को कौन सी संख्या है, तो देखो 16 और 26 है, तो अंतिम अंक कह रहा है, तो इनके हिसाब से बनाओ, 17 या 22 या 5, इस हिसाब से बनानी है। ये वाला लॉजिक भी ध्यान रखना है कि उसका अंतिम अंक विकल्प के अनुसार लें, तो ये विकल्प को लेते हैं कि अंतिम अंक मान लो 16 है, 26 है या 36 है, तो अंतिम अंक देख लो तो 16 है, तो 16 में हम लोग भाग देते हैं पहले 5 का, कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही हैं क्या, देखो 5 3 15, तो यहाँ पे शेष फल बचा एक, 5 3 15 एक बच गया शेष फल, देखो शेष फल एक प्राप्त होता है, ये सही है। अब देखो 16 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो 2 8 16, तो 0 शेष 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी सही है। तो लास्ट का अंक 6 होगा, तो लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, संख्या का 6 होना चाहिए। अब 26 पे भी चेक कर लो, देखो 26 संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग 5 का भाग देते हैं तो 5 5 25, शेष फल एक आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखो 26 में यदि हम लोग 2 का भाग देते हैं, 2 1 2, अब 6 2 6, तो 13 आ गया, और शेष फल कितना आ गया 0, तो शेष फल 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से विभाजित, तो शेष फल आ रहा है 0, बिल्कुल सही है 6, यही है इसका आंसर। अब देख लो आप अगले जो विकल्प हैं ना उनको कैसे हम लोग गलत कर सकते हैं। देखो सभी स्टूडेंट, मान लो 7 है लास्ट में, 7 तो 17 होता है, यदि 17 संख्या है तो 17 में यदि हम लोग 5 का भाग दें, 5 3 15, तो 2 बच रहा है शेष फल, शेष फल क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो ये वाली देखो यहाँ पे शेष फल एक चाहिए, तो ये वाली गलत हो गया, ये वाला विकल्प हो गया गलत है, इसका आंसर ये है। अब देखो यदि लास्ट डिजिट क्या हो, तब उस संख्या का अंतिम अंक यदि 2 हो, तो मान लो 22 है, अंतिम अंक 2 है, ये चेक करना है, तो यहाँ पे 5 का भाग दो, 5 4 20, तो यहाँ पे शेष फल 2 आ रहा है, देखो यहाँ पे शेष 1 चाहिए, तो ये वाला भी गलत है। अब लास्ट वाला 5 हो, कितना हो 5, तो देखें आप यदि हम लोग क्या करें, लास्ट वाला डिजिट अंक 5 ले लें, तो 35 है, या 45 ले लो, कुछ भी ले लो, या 45 कुछ भी ले लो, तो यदि हम लोग 5 7 35, तो यहाँ पे यदि 5 7 35 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेष 1 प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ तो 0 आ गया, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी, तो तब उस संख्या का अंतिम अंक होगा 6 होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लॉजिकल है ये वाला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन पर लगा लें कई सारे स्टार, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो पुलिस के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से है विभाज्य, तो यहाँ पे 9 का क्या तरीका होता है, 9 से विभाज्य है, तो यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है, तो देखो 1 और 3 को ऐड कर लो, 9 1 10, इसको कर लो 10 और 7 17 17 और 2 19 19 और 5 24 24 4 28 28 और 6 28 6 होता है, 34 34 और 2 36, तो 36 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल, तो यही है मेरे हिसाब से। अब देख लो इनको, इनको यही आंसर हो गया, आंसर तो ये हो चुका है, लेकिन अब हम लोग बी को चेक कर लेते हैं। देखो 6 और 3 होता है 9, 9 और 8 होता है 17, 17 और 7 होता है कितना 24 24 और 0, 24 24 और 5 होता है 29, 29 और 2 होता है 31 और 1 32, तो देखो ये वाला नहीं है, क्योंकि 32 में भाग 9 का जाता नहीं है। अब इसको चेक करो, 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 1 19 19 और 8 27 और 5 27 और 5 कितना होता है 32 होता है, 27 और 5 कितना होता है 27 और 3 30 और 2 32, तो 32 में भाग नहीं जा रहा 9 का। अब देखो 6 और 3 9, तो 9 3 27 यहाँ तक 28 28 और 8 होता है 36 36 और 2 38, 38 और 7 कितना होता है 38 और 7, 38 और 2 45 45 होता है, 45 और 2 47, तो 47 में भी भाग नहीं जा रहा 9 का, तो ये वाला विकल्प भी गलत हो चुका है। तो ये विकल्प है जिसके अंकों का योग 36 जा रहा है, उसमें 9 का भाग चला जाता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है,
माइनस के एक्स वाई जेड माइनस के वाई जेड एक्स और माइनस के थ्री एक्स वाई का योग है, बताएं कितना है योग। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, योग पूछा है इनका एडिशन, तो देखें सभी, क्योंकि इस वाले विकल्प में क्या आ रहा है, क्योंकि कभी कभार विकल्प क्या है गलत भी आते हैं। तो देखो माइनस के एक्स वाई जेड और माइनस के वाई जेड एक्स और माइनस के आएगा थ्री एक्स वाई, तो यहाँ पे योग क्या आएगा देखें, देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इसमें तीनों है तो जी हो जाएगा माइनस के टू एक्स वाई जेड और माइनस के थ्री एक्स वाई, कितना होगा माइनस के थ्री एक्स वाई, क्योंकि इसमें केवल एक्स वाई है, इसको इसलिए इसको आगे सॉल्व अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, यही आंसर है, इसका केवल एक्स वाई कॉमन ला सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे केवल एक टर्म में आंसर दिया है, जो कि सभी विकल्प गलत हैं, यहाँ पे नहीं है इसका आंसर मौजूद, यह क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, सभी लोग ध्यान दें, इसमें इसका कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है, इस प्रकार से लिख लें, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि कभी कभार व्यापम क्या है गलत डाल देता है, आंसर नहीं दे पाता, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा माइनस के टू एक्स वाई जेड और माइनस के थ्री एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे योग पूछा है। तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आप सभी स्टूडेंट हमारी वीडियो को क्या करें, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर दें शेयर और लाइक ज़रूर करें सभी देखने वाले। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।